प्यारे हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। श्री निमीश कपूर जी, जिनके संयोजन में विज्ञान प्रसार के माध्यम से ये आज का राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव हो रहा है। आज यहाँ उपस्थित सभी जूरी के सम्माननीय सदस्यगण, सभी उपस्थित प्रतिभागीगण, उसमें जिन्होंने अपने अपने एक आइडियाज़ के माध्यम से फिल्मों का निर्माण किया है, फिल्मों को लिखा है और उनको जिया भी है, ऐसे सभी लोग जो हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न संस्थाओं से पधारे आदरणीय कुलपतिगण, संचालकगण, वरिष्ठ प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, रिसर्चर्स, बहुत बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं और उपस्थित हैं शहर के गणमान्य लोग जो विज्ञान प्रेमी हैं और इस पूरे बड़े भव्य कार्यक्रम के साक्षी भी हैं। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सभी वरिष्ठ मेरे साथी साइंसिस्टगण, अधिकारीगण, विज्ञान प्रसार से अन्य अधिकारीगण, मैं मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं विज्ञान प्रसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और इस पूरे आयोजन के जो समस्त सह आयोजक गण हैं, उन सब के व्याप पे आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि ये इस बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, कहने को ये फिल्म का है लेकिन इसका एक अपना हेतु है, इसका अपना एक उद्देश्य है और भारत के इस राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्देश्य है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा, पर्यावरण, चिकित्सा, कृषि और पारंपरिक ज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाली फिल्मों के माध्यम से और वैज्ञानिक सोच को, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम डेवलप करें अमंग द पीपल, इसको ये आगे ले जाती है। यह फिल्म, यह विज्ञान फिल्म निर्माताओं के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने वाला देश का पहला और अकेला मंच भी है, जिसमें स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी, वैज्ञानिकगण, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, ग्रामीण व शहरी युवक युवतियों से लेकर व्यावसायिक फिल्म निर्माताओं को अपनी विज्ञान फिल्में प्रदर्शित करने का मौका मिलता है और ये कितनी बड़ी बात है। आज एक बड़ा अवसर है कि इस भव्य कार्यक्रम का जो शुरुआत है, 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का शुरुआत देश के महान वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के जीवन पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन कर की गई। हम विज्ञान फ्रेटर्निटी के लोग हैं और हम जानते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जो देश की पहचान है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, और भारत के विज्ञान को यहाँ तक लाने के लिए उनकी जो कल्पना थी, उनका जो योगदान था और स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान था, हमने भली भांति हमारे इस फिल्म में देखा और अवगत हुआ। ये बड़ा अवसर था कि इस फिल्म का प्रीमियर विज्ञान भारती ने इस फिल्म का निर्माण किया था, इसके साथ इसका उद्घाटन हुआ और साथ ही हमने उस फिल्म को भी देखा जिसमें कि देश में स्वच्छ सागर तट अभियान के अंतर्गत समुद्र स्वच्छता जागरूकता पर आधारित फिल्म भी हमको दिखाई दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 75 जगहों पर यह अभियान पूरी द्रुतगति से चलाया गया, जन सामान्य को प्रेरित करने के लिए और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए। तो एक बड़ा अवसर है कि इन फिल्मों के माध्यम से हमने इस कार्यक्रम को किया। मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ विज्ञान प्रसार के साथ जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये 22 से 26 अगस्त तक 5 दिवसीय कार्यक्रम, आज के कार्यक्रम के बाद हमारा जो कार्यक्रम का स्थल है वो रविंद्र भवन परिसर होगा और इस कार्यक्रम में 250 से अधिक पूरे देश से हमने प्रविष्टियाँ मिली थी, जिसमें जूरी के माध्यम से 71 फिल्मों को इस महोत्सव में प्रदर्शन के लिए, उनकी स्क्रीनिंग के लिए चयनित किया गया। 71 फिल्मों के सभी प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हैं और इन 71 फिल्मों में इस महोत्सव के माध्यम से 4 कैटेगरी में 25 से अधिक विज्ञान पुरस्कार, उस गोल्ड भी हैं, सिल्वर भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं, लोगों को दिया। 16 लाख से अधिक राशि के वितरण एक प्रोत्साहन के रूप में, एक उनकी पहचान के रूप में हम लोग यहाँ पे देंगे। कहना ना होगा कि पूरा इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा फिल्म निर्माताओं, संचालकों,
और विज्ञान प्रेमियों का आपसी समन्वय कर पूरे देश की संस्कृति को, धरोहर को और समाज के विविध विषयों को आगे लाना है विज्ञान के माध्यम से। हम महसूस करते हैं आज कि डिसेमिनेशन ऑफ साइंस की बात हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बात हो, या किसी भी तरीके के मैसेज को संप्रेषण करने की बात हो, अभिव्यक्त करने की बात हो, आज एक फिल्म सबसे बड़ा माध्यम बन गया। आज का यूथ मोबाइल पर फिल्म के माध्यम से हर जानकारी को तुरंत लेना चाहेगा, और ये अवसर है कि हम मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी हैं, नई फिल्म नीति का ऐलान किया गया कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में हमारे प्रोड्यूसर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, वो आए और यहाँ की जैव विविधता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो तालाब हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं और मध्य प्रदेश की जो एक ईज ऑफ मेकिंग फिल्म, एक एनवायरनमेंट है, उसको लेके बहुत अधिक